तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किस सुल्तान से संबंधित है? बीजापुर का गोल गुंबज किस सुल्तान से संबंधित है? किससे संबंधित है ये संबंधित है यूसुफ आदिल खान से, आदिल शाह से। किससे? यूसुफ, ठीक है, सॉरी, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर का गोल गुंबज संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत आयरन का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? भारत आयरन यानी लोहा का निर्यात सबसे अधिक किस देश में करता है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भारत आयरन का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? तो किस देश में करता है? ये करता है चाइना में। ठीक है, अगर यहाँ आपसे क्वेश्चन दिया जाता कि भारत सबसे अधिक किससे आयात करता है, तो आपका आंसर कुछ और होता, आंसर होता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत, देखो भारत के यहाँ जो लोहा होता है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, हमारे यहाँ पे लोहा थोड़ा खराब क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो चाइना हमारा जो खराब क्वालिटी का लोहा है उसको इम्पोर्ट करता है बहुत अधिक मात्रा में, फिर ये ऑस्ट्रेलिया से भी इम्पोर्ट करता है, यानी सबसे अधिक वर्ल्ड में जो आयरन इम्पोर्ट करता है वो है चाइना, और फिर मिक्स करके ये अलग अलग चीज़ों को बनाता है। और भारत जो इम्पोर्ट करता है, सॉरी एक्सपोर्ट करता है, उसमें दूसरे स्थान पे है जापान। तो दोनों देशों का नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा खेल है वो। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है, लेकिन क्रिकेट से भी लोकप्रिय है फुटबॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? नारंगी और हरा, इन दोनों कलर को लोगे तो बीच में कौन सा मिलेगा? तो मैंने आपको याद रखने का एक ट्रिक कभी ना कभी बताया होगा, वो है बैजानी ह पीनाला, बै जा नी ह पी ना ला। ठीक है, इसको याद रखना है, इसमें सारे कलर हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा था, नारंगी और हरा, तो बै जा नी से हो गया, सॉरी हा पी ना ला, ना से हो गया नारंगी और हरा, यहाँ पे हरा, और दोनों के बीच में कौन सा आया, पीला। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा पीला। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है थानुमलयन, क्या है नाम इसका? थानुमलयन मंदिर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? थानुमलयन मंदिर ये किस लिए फेमस है? कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो आपका हो जाएगा थानुमलयन मंदिर, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जलपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जलपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? स्थित है कहाँ, जल्दी बताओ, वेस्ट बंगाल में। कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में जलपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो जलपाड़ा जगह है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और अगर आपसे वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका डिस्ट्रिक्ट उत्तर मदारी हाट, उत्तर मदारी हाट इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे जलपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, यह है ओस्लो, आप सभी जानते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब से आप क्या समझते हो, आपको वही बताना है। तो देखो, दाब का अगर आपको डेफिनेशन पता है तो वहां से फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला पता है तो वहां से डेफिनेशन लिख सकते हो। तो क्या होता है, ये होता है बल। ठीक है, क्या होता है, दाब का बल अपॉन क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, ये होता है दाब का फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो गया, इलास्टिसिटी से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट का जो मात्रक है वो क्या होता है, क्या
क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 जूल कितने रुपए के बराबर होता है? रुपए नहीं है, 1 जूल कितने, जूल को हम लोग किसमें लिख सकते हैं, अर्ग में। ठीक है, तो आप बताओ 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, कितने अर्ग के बराबर होता है, 10^7 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट घंटा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ये होता है लगभग 3600 जूल के बराबर। ठीक है, 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता हवाई अड्डा का नाम क्या है? कोलकाता हवाई अड्डा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देकर आप सभी कर लोगे इसको। तो यह है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, क्या है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा? पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जॉन ई सॉल्क के द्वारा पोलियो का टीका खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के आइसोटोप में प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताओ, कार्बन के आइसोटोप में प्रोटोनों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, तो ये होती है 6। अब इसलिए ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सभी इसमें गलती करोगे। यहाँ पे दो चीजों को आपको याद रखना जरूरी है, ये आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होता है और कार्बन का जो प्रोटॉन का संख्या है वो कितना होता है। तो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप इसमें बस कीवर्ड आपको याद रखना है कि आइसोटोप में न्यूट्रॉन का जो संख्या है वो डिफरेंट होता है, प्रोटॉन का संख्या सेम होता है। ठीक है, कार्बन का जितना भी आप आइसोटोप लोगे सब में आपको न्यूट्रॉन की संख्या अलग मिलेगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम मिलेगी। और कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या होती है 6, इस कारण से जितना भी आइसोटोप होगा सभी में प्रोटोनों की संख्या 6 ही होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगा का मान कितना होता है? 1 गीगा का मान कितना होता है? 1 गीगा का मान होता है 10^9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो गैसों का दाब मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मैनोमीटर। क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं गैसों का दाब मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का निर्माण किस अंग में होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण किस अंग में होता है? अब ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बायो से, जल्दी बताओ ट्रिप्सिन का निर्माण किस अंग में होता है। यहां से जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसको थोड़ा सा याद रखना, जनरली मैं वन लाइनर के वाले में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेन करूंगा और इसको मैं कभी ना कभी टेस्ट में पूछूंगा, तो वहां आप सभी जरूर बताना। ठीक है, सबसे पहले अगर आंसर आता है तो आप सभी आंसर करो, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है अग्नाशय, कहाँ होता है, अग्नाशय में ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रिप्सिन जब निर्मित होता है, यानी अग्नाशय में जो इसका निर्माण होता है वो ट्रिप्सिन उस वक्त होता ही नहीं है, इस कारण से ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय में जो ट्रिप्सिन का निर्माण होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है और इसका नाम कुछ और है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। क्या नाम है इसका, ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे ये फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये जो चीजें मैंने बताई इसको याद रखना, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम कहां हुआ था? भारत महोत्सव इसका आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो भारत महोत्सव का आयोजन जो होना चालू हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन से, कहाँ से हुआ था, ब्रिटेन से ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब हुआ था, 1982 में, कब हुआ था, 1982 से ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यदि बताओ कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक साल हम लोग विश्व मानवाधिकार वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म तो आप सभी जान ही रहे होंगे, ये है ईसाई। कौन सा धर्म है? ईसाई या क्रिश्चियनिटी आप उसको बोल सकते हो, जो सबसे अधिक लोग फॉलो करते हैं वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? नहीं, इसके लेखिका हैं, और लेखिका का नाम क्या है? मेनका गांधी। क्या नाम है इनका? मेनका गांधी। ठीक है, तो बुक का नाम है हेड्स एंड टेल्स, ये मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, IDBI की पेरेंट कंपनी कौन सी है? IDBI की पेरेंट कंपनी, IDBI की पेरेंट कंपनी, IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मुझे जल्दी से बताओ कमेंट में। दोनों चीज आपको बताना है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो ये है LIC, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। IDBI की पेरेंट कंपनी है LIC, और IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? कौन है? यह है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग किस भक्ति से संबंधित है? यानी किस भगवान का भक्ति इसमें जो है इंपॉर्टेंस है, किस भगवान के भक्ति को ज्यादा दिया जाता है? कौन सा भक्ति है वो? वो है कृष्ण भक्ति। ठीक है, ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कौन नहीं है? ये कौन है? टाइपिंग एरर हुआ है। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कौन 60 डिग्री हो तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? भूली बिसरी यादें ताजा हो रही है, बहुत पहले मैंने ये पढ़ाया था, जल्दी बताओ, टाइम लो थोड़ा सा और इसको निकालो, जल्दी से सॉल्व करो और निकालो। दो समतल दर्पण के बीच का कोण जो है वह है 60 डिग्री, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जिसको आ रहा होगा फॉर्मूला, अभी तक आपने निकाल लिया होगा। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है 360/n-1। क्या होता है? 360/n-1, ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर ऑड और इवन में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। तो जनरली आपसे जब भी पूछा जाएगा वो ऑड ही पूछा, सॉरी इवन ही पूछा जाएगा, इसलिए ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं कभी वो अलग से बताऊंगा। तो ये आपका 360/n कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप करोगे 360/60। ठीक है, तो 360/60 क्या हो जाएगा? 6 और माइनस 1, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है, आंसर कितना होगा? आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन है, चटगांव पत्तन किस देश का है? चटगांव पत्तन जो है वह किस देश का है? चटगांव पत्तन किस देश का है? पत्तन यानी डॉकयार्ड, जल्दी बताओ कहाँ है? यह है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में है आपका चटगांव डॉकयार्ड। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए यानी माइनॉरिटीज के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट किस शहर में स्थित है? ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर किस जगह तक जाती है? कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र से चालू होती है और इसके बाद यह किस जगह तक जाती है आपको वो बताना है। कहाँ तक जाती है, किस राज्य तक जाती है? तो ये कर्नाटक तक जाती है। ठीक है, कोंकण रेलवे का रूट जो है यह महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर गोवा होते हुए कर्नाटक में मंगलोर तक ये जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो अभी आपने देखा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग फोर्ट गैलेस्टर जो कोलकाता में स्थित है, यह कब स्थापित किया गया था? फोर्ट गैलेस्टर में ब्रिटिश काल में एक सूती का उद्योग स्थापित किया गया था, आपको यह बताना है कब। यह किया गया था 1818 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्धनता निवारण व रोजगार कार्यक्रम के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? निर्धनता निवारण व रोजगार कार्यक्रमों के तहत काम के बदले अनाज, इस नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था। ये चलाया गया था 1977 से 78 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय योजना का शुरुआत भी यही था, इसी वक्त हुआ था 1977 से 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोयली तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? कोयली तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? कोयली तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है कोयली तेल शोधन कारखाना? ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सूचियों में कारखाने किस सूची के अंतर्गत आता है? कारखाना जो है यानी फैक्ट्रीज किस सूची के अंतर्गत आता है? जल्दी बताओ किस सूची के अंतर्गत? ये समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है, रोंटजेन किस देश से संबंधित है? रोंटजेन आप इनको फिजिक्स में भी पढ़ते हो, आप इनको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आपको बताना है ये किस देश के नागरिक थे? रोंटजेन तो ये जर्मनी के नागरिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में एकाधिकार समाप्त हो गया? इससे पहले मैंने आपको बताया था 1813 के एक्ट के तहत इंडिया में समाप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंडिया में समाप्त हुआ तो 20 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट है वह चीन के लिए मिल गया था। तो 20 साल बाद इसका समाप्त हुआ, यानी 1813 में अगर इंडिया में समाप्त हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में एकाधिकार समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, कनाडा किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? कनाडा किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? चलिए बताओ, तो कनाडा किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, कनाडा जो है वह नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और बहुत ही फेमस है। इन सारे देशों का कम से कम आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन पास ये दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी व, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ये दक्षिण व लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यांग्याप, ये यांग्याप नहीं है, यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्रांति कौन कितना होता है? पानी का क्रांति कौन यानी क्रिटिकल एंगल कितना होता है पानी का? ये होता है 48.5। ठीक है, 48.5 डिग्री या 48.6 डिग्री कई जगह आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? कौन थे? ये थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, क्या नाम था इनका? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये थी स्वास्थ्य मंत्री पहली मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे जल्दी बताओ? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे
सनमुख सेट्टी, क्या नाम था इनका, सनमुखम सेट्टी या सनमुख सेट्टी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। सनमुख सेट्टी ये थे प्रथम जो आपका मंत्रिपरिषद था उसमें वित्त मंत्री, ठीक है। तो ओके गाइस, तो आज के सेट में बस इतना ही, यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चंस पूरा होते हैं, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।